तो व्यक्ति पूछा वर्ब, तो हमने कहा जिसे करना होना का सेंस हो, कि जिसके भी अंत में ना लगा दो सब वर्ब है, दो फॉर्म कम से कम समान हो, उसे कहते हैं इरेगुलर वर्ब। हेडिंग बनाओ वर्ब, वर्ब जो बच्चे आप फर्स्ट डे आए, बता दूं एक लाइन लिखवाया था वहीं से स्टार्ट कर, ताकि आपको अच्छा नहीं लगे कहां से स्टार्ट हो रहा है। एक लाइन लिखवाया था वहां पे कि दुनिया का कोई शब्द जिसके अंत में न लगा हो या न लगने की संभावना हो वर्ब कहलाता है, ये लिखवाया था ना, चाहो तो लिख लो, जो आज फर्स्ट डे आए हो जिनका लिखा हुआ छोड़ दो। दुनिया का कोई भी शब्द जिसके अंत में न लगा हो या न लगने की संभावना हो वर्ब कहलाता है। दुनिया का कोई भी शब्द जिसके अंत में न लगा हो या न लगने की संभावना हो वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल बोला था पढ़ना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, रोना, पिटना, सब वर्ब था। पढ़ना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, रोना, पिटना, सब क्या था? वर्ब था। क्लियर है? अच्छी बात। एक वर्ड लिखवाया था इसको अंग्रेजी में, हमने कहा था कि आ वर्ड वैसा कोई भी शब्द, दैट मतलब जो स्टैंड्स पर आधारित है, डूइंग का मतलब करना और बींग का मतलब होना, यानी इसमें एक ही लाइन कहता है जिससे करना और होना समझा जाता हो, जिसे करने और होने का भाव होता है उसे हम वर्ब कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में क्या था कि जिसके भी अंत में ना लगा दो सब वर्ब है। राम पढ़ता है पढ़ना, तुम सोते हो सोना, वह हंसता है हंसना, तो सब हिंदी में वर्ब पहचान लेंगे भाई हिंदी में। अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे? तो करना और होना का भाव व्यक्त हो जाए। अब करना होना क्या है, सिंपल सी बात समझो, हमने बोला यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। अब देखो यू है सब्जेक्ट, आर है वर्ब, स्टूडेंट है नाउन। अब वर्ब कैसे है सर? होने का बोध करा रहा है। आर क्या करा रहा है? होने का नहीं करा रहा है, बताओ तुम विद्यार्थी हो, अगर आर नहीं होता तो होते कैसे आप? यू आर अ स्टूडेंट, तो बोलो आर कैसा वर्ब है? बींग है कि नहीं है बताओ? आर का मतलब होना। आई एम अ टीचर, एम कैसा वर्ब है? बींग वर्ब है, नहीं है जी। ही इज अ टीचर, इज क्या है? बींग वर्ब है। अच्छी बात, तो बींग समझ में आया। अब डूइंग का मतलब क्या होता? करना। अब करने वाले डिक्शनरी के सारे वर्ब करने वाले हैं, जैसे हंसना, गाना, खेलना, कूदना, रोना, फिर जो इसमें ना लगा हुआ है ना, वो सारा वर्ड डूइंग होता है। वह रोता है, हमने बोला ही क्राइज, तो ही क्राइज जो वर्ड बोला मैंने, ही क्राइज जो बोला, तो क्राइज क्या कुछ काम कर रहा है? हमने बोला ही गोस, ही गोस देयर, तो गोज कैसा वर्ब है? डूइंग वर्ब है, काम कर रहा है, कुछ काम करे जाने का। कोई आपत्ति यहां तक? वर्ब दो तरह का होता है तेजी के साथ, एक वर्ब है तुम्हारा डूइंग, और इसी डूइंग को तुम कहना आज के बाद मेन वर्ब। क्या कहना बच्चे? मेन वर्ब, शॉर्ट में एमवी बोलना, अगर मैं कहीं एमवी लिखा रहा समझना कि मेन वर्ब है वो। और दूसरा होता है बींग, इसी बींग को कहना ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, इसे शॉर्ट में आप ए भी कहना। तो दो तरह के वर्ब हुए, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। क्या लिखा? दो तरह वर्ब हुआ ना, एक हुआ मेन वर्ब, दूसरा मेन वर्ब का मतलब क्या होता है सर? डूइंग, जो भी दुनिया में काम करता है सब कौन सा वर्ब है? तो डिक्शनरी के सारे वर्ब, डिक्शनरी में तुम्हारे इतने वर्ब होते हैं ना, सब कौन से वर्ब होते हैं? और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो बींग होने वाला है, और होने वाला की संख्या मात्र 24 है। कितना कहा? अगर तुम 24 याद करवा दूं तो बाकी जो बच्चा सब मेन वर्ब, तो 24 याद करना आसान नहीं है, उंगली पे भी गिना देता हूं तुरंत याद भी हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले इस 24 को खत्म करते हैं, होता क्या, संख्या में क्या है। कोई व्यक्ति पूछा वर्ब, तो हमने कहा जिससे करना होना का सेंस हो, राइट, एक्शन का बोध हो। एक्शन को हम देख नहीं पाते, पिछले क्लास में बताया था, एक्शन हम देख नहीं पाते, फील कर पाते, इसलिए बहुत सारा वर्ब नाउन बन जाता है। बहुत सारा वर्ब कैसे बनता है बताया जाएगा आपको। तो बहुत सारे वर्ब नाउन बन जाते हैं, बहुत सारे नाउन वर्ब बन जाते हैं। कैसा? अब्स्ट्रैक्ट वर्ड, जैसे चलना हम देख नहीं सकते, मुस्कुराना देख नहीं सकते, रोना देख, आंसू वो पानी देख सकते हैं, रोना कहीं नहीं है दुनिया में, हंसना कहीं नहीं है, आपको लगता है देख पा रहे लेकिन लिप्स देख रहे हो, टीथ देख रहे हो, चीक्स देख रहे हो, हंसना कहीं नहीं। तो हंसना कहीं नहीं तो क्या? अब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए हंसना नाउन भी है, हंसना वर्ब भी है। उसकी हंसी, उसके हंसने का स्टाइल, ये सब नाउन बोल रहा हूं मैं। हिज हर है ना, लाफिंग स्टाइल, वॉकिंग स्टाइल, तो वॉकिंग लाफिंग सब क्या हो जाएगा? नाउन बन जाएगा, जिसको जेरेंड भी कहते हैं, पढ़ा पिछले क्लास में। और सारे जेरेंड क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जो इस दुनिया में है लेकिन दिखता नहीं है।
वो सब एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में चलाता है, और एब्स्ट्रैक्ट सब नाउन होते हैं, उसी को बना दो वर्ब, तो वर्ब हो गया राम इज लाफिंग, राम इज वॉकिंग। बस समझ पा रहे हो ना? तो एक ही चीज है जो नाउन भी है, जेरेंड उसी को कहते हैं, वही वर्ब भी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, और यहां जगह वर्ब भी हो जाएगा। तो दुनिया के सारे जो डूइंग होंगे वो सब क्या होंगे? मेन वर्ब। इसकी संख्या पूरा डिक्शनरी भरा पड़ा है। और ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। कैसे, कब बनेगा हेल्पिंग, ये पढ़ाया जाएगा। हेल्पिंग ऑक्सिलरी में अंतर होता है। ऑक्सिलरी की संख्या कितनी है? 24। अब पहले मैं पढ़ा रहा हूं 24, ठीक है, उसके बाद पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है। तो पहले 24 क्या है उसको देखते हैं, राइट। ये आपके पास लिखा हुआ है ना, लिख लिया ना कॉपी में, वापिस आ जाओ। अब आपके पास लिखा हुआ है, वापिस बुलाऊंगा इसको। फिलहाल मैं बता रहा हूं क्या कि ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं 24। इस 24 में तीन भाग बांटा, एक को दिया हिस्से में 11, एक को दिया हिस्से में 10, एक को दिया हिस्से में 3। बोलो 24 हुए कि नहीं हुए? हो गया 24। जिसको 11 दिया वो मुख्य हो गया, सबसे बड़ा है ना, इसलिए इसका नाम रखा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। कोई आपत्ति? 10 दिया उसका नाम रखा मॉडल्स, उस नाम क्या रखा? ध्यान देना इसको, मॉडल्स मत पढ़ना कभी, मॉडल्स मत पढ़ना। 80% लोग पढ़ते हैं मॉडल्स, मास्टर वास्टर सब पढ़ लेता है। ये मॉडल्स नहीं, मोड आ है, आ नहीं, मॉडल्स, ठीक है। ये देखो ये तीन है, इसका नाम है सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल्स, मॉडल्स नहीं, ठीक है बेटा। तो टोटल हो गए, नाम रख लिया प्रिंसिपल, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। कोई आपत्ति? चलिए 11 कौन कौन सा भी याद कर लो, जो बींग है कौन कौन सा देखो बोर्ड पे, इज एम आर वाज वर डू डज डिड हैज हैव हैड। काउंट करो 11 हुए या नहीं हुए। इस 11 का नाम है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो 11 है इसका नाम है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? मुख्य क्रिया। क्या नाम हो इसका? मुख्य क्रिया। लिख रहे हैं सब लोग? सबको आता है, बस लिखते रहो कि पढ़ाई शुरू है आपका। बस ये लगे कॉपी में एक नोट तैयार हो रहा है, सिस्टम शुरू है क्लास। दूसरा नाम है मॉडल्स, कितने होते बेटा? 10। सबको पता है 10 कौन कौन सा है? विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और लास्ट है ओ यू जी एस टी ऑट टू। यहां देखिए 10 हो गया इसका नाम मॉडल्स। अब बच गया 3 सही मॉडल्स। पहला सर है नीड, दूसरे को बोलते हैं डेयर, और तीसरे को बोलते हैं यूज्ड टू। ये बोलिए 24 हो गया आपके पास याद। अभी क्या है ये सब डिटेल क्लास पढ़ाया जाएगा। इज एम आर क्या है, विल से सब क्या पढ़ाया। बस फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखना कि अभी वर्ब भी क्या है पता नहीं, बताया नहीं आपको। तो ये एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं ओरिजिनल फॉर्म। तो जितने भी मॉडल्स है ना, बस एक यहां प्लस कर देना कि मॉडल्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या कर लेना? वर्ब का फर्स्ट, बस ऐसे ध्यान रखने के लिए। कोई व्यक्ति पूछे कि मॉडल्स के बाद क्या आता है, तो बोल देना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, टेंशन मुक्त, ठीक है। चाहे 10 की बात की जा रही है, चाहे वो वुड हो, चाहे वो कुड हो, चाहे माइट हो, चाहे ऑटो हो, चाहे मे हो, चाहे शुड हो, चाहे विल हो, क्या आता है वर्ब का? फर्स्ट। ये थ्योरी पता चल गया आपको कि मॉडल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे मान लेते हैं गो, अब सबके साथ तुम गो लगा सकते हो। जैसे बोला इट, सबके साथ इट लगा सकते हो, सबके साथ, दसों के साथ, बिना डरे बिना सोचे। व्यापति डिक्शनरी के सारे वर्ब लगा सकते हो इन सबके साथ। व्यापति मिटा दूं इसको, इसका इस सबका नाम क्या हुआ? ऑक्सिलरी वर्ब। 11 का नाम, 10 का नाम, 3 का नाम, आगे बढ़े हैं, यहां तक बात खत्म। अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग का है, दूसरा जो नाम है वो है मेन वर्ब। आगे आ जाइए, बस संख्या देखिए मेन वर्ब में। अब देखो मेन वर्ब का मतलब पूरा का पूरा डिक्शनरी, पूरा का पूरा। ये जो लिखा है हो सकता है डिक्शनरी में ना मिले, लेकिन ये जो है पूरा डिक्शनरी ही है। इसमें बस एक क्लासिफिकेशन दे रहा हूं, जैसे मान लो ए है। अब ए में जो पहला ले तो इसका नाम है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब।
इसी का ए का सेकंड पार्ट का नाम है इंट्रांजिटिव वर्ब। बस सिर्फ लिख लो आप। बी बी में पहला देखें तो हो जाएगा रेगुलर वर्ब, इसी को सेकंड देखें तो हो जाएगा इरेगुलर वर्ब, कहीं कहीं स्टैटिक और डायनेमिक मिलेगा, स्टैटिक वर्ब डायनेमिक वर्ब, बात एक ही है, समझ गए। सी की पार्ट करें तो सी में पहला मिल जाएगा फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इसी का सेकंड ले लें तो हो जाएगा इनफाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। तो कोई व्यक्ति पूछे कि मेन वर्ब कितने तरह का होता है, तो कह सकते हो तीन है भाई फिलहाल, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अभी आपको नहीं पता कि फाइनाइट क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, ये सब नहीं पता। हाँ, स्टैटिक और डायनेमिक, हाँ ठीक है। तो अभी इतना सोचना है बस, किताब में नाम अलग होगा, होता ही तीन तरह का, चौथा कोई नहीं होता, नाम बदल देगा लेकिन रहेगा ही तीन चीज, ठीक है। तो क्या बोला, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट, रेगुलर, इरेगुलर। तो आप बस दिमाग में ये रखो कि मेन वर्ब तीन तरह का, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट, रेगुलर, इरेगुलर, खत्म कहानी। बस एक क्लासिफिकेशन, सुरेश महेश नाम है ना सबका, घर में चार बच्चे रहते हैं तो सबको पहचान करने के लिए। अभी क्या है सो नहीं पता, बस एक नामकरण कर दिया। तो वर्ब दो भाग बांटा था, मेन वर्ब और अग्रणी वर्ब, मेन वर्ब में ये तीन हो गया, अग्रणी वर्ब में 24 हो गया। बोलो विजन क्लियर है या नहीं है? यस, कमिंग कमिंग, फास्ट फास्ट, विजन क्लियर हुआ? मेन आंख बंद किया, मेन वर्ब दो तरह का, मेन वर्ब और सॉरी वर्ब दो तरह का, अग्रणी वर्ब और मेन वर्ब। अग्रणी वर्ब में तीन बांटा, प्रिंसिपल, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। प्रिंसिपल में 11 था, मॉडल्स था, सेमी मॉडल्स था। मेन वर्ब में तीन हो गया, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट। क्लियर हुआ? बेसिक मेन वर्ब, बेसिक मेन वर्ब। अब देखो बेसिक में क्या जानना है, एक वर्ड है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब दो तीन फैक्ट यहां पहले जानो आप। ए भीवन नहीं बोलना है, क्या बोलना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वापिस आ जाइए, ए पूरे डिक्शनरी में यही एक वर्ब पाया जाता है, दूसरा कोई वर्ब नहीं होता। यही वी वन पाया जाता है, वी टू नहीं होता, वी थ्री नहीं होता, इसी वी वन से हम वी टू निकालते हैं। तो सारे फॉर्म को हम बोलते हैं डेरिवेटिव फॉर्म, डेरिवेटिव जहां से निकाला जाए। तो ओरिजिनल ए है, बाकी सब डुप्लीकेट हो गया, यानी बाकी कहीं मिलेगा नहीं, बस इसको याद करना, इसको हम निकाल सकते। गो वेंट गॉन पढ़ते हो ना आप, गो वेंट गॉन गोइंग और गोज, यानी वी फाइव को आप एस और ईएस भी कहते हो, कोई आपत्ति? वी फोर को कहते हो वी वन प्लस आई एन जी। हालांकि सब आपको याद है, अगर यहां लिखता हूं कट कट्स। अब यहां पर दो तीन फैक्ट पहले मैं दे दूं, फिर आपको डिटेल पढ़ाता हूं आराम से। पहले बोर्ड पे देखिए, लिखिए बाद में। अब बोलो गो वेंट गॉन। अब देखो ये गॉन कहीं भी लिखा मिलेगा, वेंट कहीं लिखा मिलेगा, तो आप पकड़ लोगे वी टू है, पकड़ लोगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन ये तीनों बोलो सेम फॉर्म है कि नहीं? नहीं है, ये तीनों क्या है, एक जैसा है, सेम फॉर्म है। यानी ए वाला कट कहीं लिखा मिले तो कैसे पता कि वी थ्री है? हम पकड़ सकते वी वन ही है, राइट? वापिस आ जाओ, यानी कि ये एक नियम का पालन कर रहा है, और नियम का पालन, तो जो नियम का पालन करता है उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब। क्या बोलते बेटा? और नियम का पालन नहीं, किस चीज का नाम होगा? इरेगुलर वर्ब। तो दो वर्ब समझ आ गया, समझ में आएगा? दो वर्ब रेगुलर इरेगुलर में क्या अंतर है? जो सेम फॉर्म, जिसके दो फॉर्म कम से कम समान हो, जिसके दो फॉर्म उसे कहते हैं इरेगुलर वर्ब, और जिसके तीनों फॉर्म अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे मान लो हमने एक वर्ड बोला बाय, बी यू बाय। वी टू क्या होता है जल्दी बोलो? बी ओ यू। और वी थ्री क्या होता है? बॉट। अब बोलो दो फॉर्म समान है कि नहीं है? तो इसका भी नाम हो जाएगा इरेगुलर। तो नियम क्या कहता है? जिसके दो फॉर्म समान हो जाएं उसका नाम हो जाएगा इरेगुलर वर्ब। तो दो फॉर्म समान नहीं है, बाय बॉट बॉट, कैच कॉट कॉट, पुट पुट पुट, शर्ट शर्ट शर्ट, कास्ट कास्ट कास्ट, रीड रेड रेड, लेकिन स्पेलिंग सबका सेम है कि नहीं है? तो जो जिसके दो फॉर्म कम से कम समान हो उसे कहते हैं इरेगुलर वर्ब।
एक कॉपी एक कलम लेकर आते हो ना, तो जो बोलता हूं कहूंगा तब मत लिखना, रगड़ते रहना कॉपी में, बस समझ गए। यही टेक्निकल चीज कोई पूछ देगा तो हवा मुड़ जाओगे। ये रेगुलर इरेगुलर में क्या अंतर है, आज ही तुम 10 लोगों से पूछना उससे हवाइयां उड़ जाएगा। रेगुलर इर जिसके कम से कम 2 फॉर्म समान हो उसे क्या बोलेंगे, इरेगुलर। और जिसके 3 फॉर्म अलग अलग हो क्या बोलेंगे उसे, रेगुलर। जो नियम का पालन करता हो रेगुलर है, जो नियम का पालन नहीं करता इरेगुलर है। सिंपल सी बात है।